यूपीएलटी ग्रेड टीचर मैथमेटिक्स एंड टीजीटी पीजीटी मैथ्स के लिए समिश विश्लेषण यानी कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का वीडियो नंबर 6 है, तो इसमें हम कुछ मोस्ट क्वेश्चन करने वाले हैं जो जनरली आया करते हैं या आ चुके हैं। जैसे कि क्वेश्चन है हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 1 है, नहीं कंडीशन दिया है 1 माइनस का बी माइनस का आई ए अपॉन 1 प्लस बी प्लस आई ए इक्वल टू 1 अपॉन बी प्लस आई ए। ये तभी वैल्यू होगा जब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 1 होगा, यानी कि इसको सॉल्व करके हमको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू 1 फाइंड करना है। ठीक है, तो सॉल्विंग कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाइंग कर देते हैं, तो सॉल्व हो जाएगा 1 प्लस बी माइनस का आई ए एंड बी प्लस का आई ए इक्वल टू 1 प्लस का बी प्लस आई ए। क्रॉस मल्टीप्लाइंग किया, ये हो जाएगा बी प्लस का आई ए प्लस का बी स्क्वायर प्लस आई ए बी माइनस का आई ए बी माइनस का आई स्क्वायर ए स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस बी प्लस आई ए। आई ए से आई ए कैंसिल हुआ एंड बी से वी कैंसिल हुआ, तो बी स्क्वायर आई ए बी कैंसिल हो जाएगा, माइनस का आई स्क्वायर ए स्क्वायर इक्वल टू 1 बचता है, तो बी स्क्वायर आई स्क्वायर की वैल्यू माइनस 1 होता है, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 1 आ गया है। यही हमको प्रूफ करना था इस क्वेश्चन में, यानी यही वैल्यूज हमको वेराई करनी थी। ये तभी वेरीफाई करेगा तब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 1 होगा। एक फॉर्मूला टाइप क्वेश्चन है, यानी कि दो सममित संख्या जेड वन जेड टू हैं, मॉड ऑफ जेड वन प्लस मॉड ऑफ जेड टू इक्वल टू मॉड ऑफ जेड वन प्लस मॉड ऑफ जेड टू दिया है, तो उनके जो कोणांक हैं, कोणांक ऑफ जेड वन इक्वल टू होता है कोणांक ऑफ जेड टू। इसको सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है भाई, फॉर्मूला टाइप इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं, जैसे जेड इक्वल टू एक्स प्लस का आई वाई, तो 1 अपॉन जेड माइनस 1 का वास्तविक भाग ज्ञात करेंगे, यानी जेड माइनस 1 का रियल पार्ट्स हमको फाइंड करना है। फाइंड द रियल पार्ट्स 1 अपॉन जेड माइनस 1, तो जेड की वैल्यू रखा x प्लस का आई वाई माइनस 1, ये होगा x माइनस 1 प्लस आई वाई, इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाइंग कर देंगे x माइनस का 1 माइनस का आई वाई, यहाँ हो जाएगा x माइनस 1 माइनस का आई वाई अपॉन एक्स माइनस 1 का स्क्वायर माइनस का आई स्क्वायर वाई स्क्वायर, एक्स माइनस का 1 माइनस का आई वाई अपॉन एक्स माइनस 1 का हाल ऑफ स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जो कि आई स्क्वायर की वैल्यू जो है माइनस 1 है। तो हमको रियल पार्ट चाहिए एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये हो गया रियल पार्ट्स, एंड इमेजिनरी पार्ट्स हो जाएगा ये एक्स माइनस 1 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये रियल पार्ट्स है वास्तविक भाग, एंड ये जो है इमेजिनरी पार्ट से आई डबल एम ए जी आई ओ एन आर वाई इमेजिनरी पार्ट्स। अरे यार बहुत लंबा लिखा गया, इमेजिनरी पार्ट्स यानी उसका जो है काल्पनिक भाग ये है, वास्तविक भाग ये, हमको वास्तविक भाग चाहिए था, ये इसका आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन है हमारा एक टाइप का क्वेश्चन इधर है, जैसे 3 प्लस का 2i एंड 2 माइनस का i एंड 0 माइनस का 7i से निरूपित बिंदु समरेख हैं, यानी कि इनको समरेख सिद्ध करना है। तो इसके लिए दो कंडीशंस वेराई होती हैं, ये तो इससे ट्रायंगल्स बनाएं, ट्रायंगल का जो क्षेत्रफल है जीरो कर दें, ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल जीरो कर दें, या फिर जैसे ए बी सी तीन बिंदु संरेखा है, ए बी तो ए बी प्लस का बी सी इक्वल टू ए सी कर दें तो भी संरेखा जाता है। दो कंडीशन, एक कंडीशन ये हो सकती है, एक इससे बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल जीरो कर दें, जैसे एक्स वन प्लस आई वाई वन से इसकी कंपेयरिंग कर दें, इसकी एक्स टू प्लस का आई वाई टू से कंपेयरिंग कर दें, एक्स थ्री प्लस आई वाई थ्री से कंपेयरिंग कर दें, तो यहाँ एक्स वन इक्वल टू 3 आ जाएगा, वाई वन इक्वल टू 2 आ जाएगा, एक्स टू इक्वल टू 2 आ जाएगा, वाई टू इक्वल टू माइनस 1 आ जाएगा, एक्स थ्री इक्वल टू 0 एंड वाई थ्री इक्वल टू माइनस 7। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल एक्स वन 1 बाई टू, एक्स वन वाई वन, एक्स टू वाई टू, एक्स थ्री वाई थ्री एंड एक्स वन वाई वन फिर से लिखा करते हैं, इस तरह से मल्टीप्लाइंग करके लिखा जाता है। डायरेक्ट भी फॉर्मूला होता है एक्स वन वाई टू माइनस एक्स टू वाई थ्री प्लस एक्स थ्री वाई वन माइनस, अब यहाँ से यहाँ आएगा वाई वन एक्स टू माइनस माइनस वाई टू एक्स थ्री माइनस वाई थ्री एक्स वन।
जब याद नहीं रहा फॉर्मूला तो कोई बात नहीं, इस तरह से लिख के भी बना सकते हैं। तो ट्रायंगल का जो क्षेत्रफल है या एरिया है जीरो आना है, और ये हो गया फॉर्मूले को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, जैसे ये लिखते हैं 2 3 3 1 1 2। यहाँ पे क्या लगा देंगे, y लगा देंगे, यहाँ भी y, यहाँ भी y, यहाँ भी y। देखिएगा कैसे फॉर्मूला बनता है, बीच में माइनस ये और यहाँ पे x1 और यहाँ पे x2 यहाँ पे x3। ठीक है, फॉर्मूला तैयार हो गया। या देखें 2 3 3 1 1 2, उनमें y लगाएंगे, यहाँ x1 x2 x3, इनकी अगर मल्टीप्लाई की जाए तो यही फॉर्मूला बन के तैयार हो जाता है। x1 by 2 ये रखा, x1 by 3 ये रहा, x2 by 3 प्लस का x2 by 3 है तो वो माइनस का रहा है, ये यहाँ ये प्लस, यहाँ वो प्लस ही रहेगा, ये मिस्टेक हो गया था। यहाँ मल्टीप्लाइंग, यहाँ मल्टीप्लाइंग, प्लस होती है इधर वाली और इधर वाली माइनस होती है। x2 by 3 हो गया x2 by 1 ये रहा, माइनस का, हाँ सही आ रहा है, एंड x3 by 1 आ रहा है, एंड by 2 x3 ये आ रहा है, कंप्लीट मिल रहा है, यानी कि फॉर्मूला मैच करना चाहिए। तो उसको ऐसे लिखें या तो बना के लिखें, नहीं इस तरह से याद कर सकते हैं, इस तरह से भी लिख सकते हैं, जैसे सूटेबल हो जाए। अगर समरेख हैं तो त्रिभुज का क्षेत्रफल इसमें जीरो होना चाहिए। तो 1/2 वैल्यू ड्रा कर देते हैं, x1 की वैल्यू 3 है, y2 कितना है 2 है, y3 है -7 यानी +7 हो जाएगा, x2 है हमारा 2 एंड y3 है -7, y1 है 2 प्लस x3 जीरो है, तो यहाँ लिखने का कोई मतलब नहीं रह गया है, वो तो जीरो कर ही देगा, जीरो से मल्टीप्लाइंग होगा तो ऑल ऑफ टर्म जीरो हो ही जाएगा। तो इक्वल टू बन रहा है 1/2 एंड 3 × 9 प्लस 2 × -9, और ये तो इक्वल होना चाहिए था, x1 x2 y2 है 2 एंड y3 है -7, +7 हो जाएगा, एंड y3 -7, y1 है 2, y2 -1 है, यहाँ पे गलती हमसे हुआ है, y2 है -1, वही हमने दोनों जगह पुट कर दिया है, जो y1 दिखा वो भी यहाँ भी रख दिया, वो यहाँ भी रख दिया, तो ये बनेगा 6 बना था, 6 6 18, ये -18, तो 1/2 18 -18 यानी कि 0 आ गया है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 है तो बिंदु समरेख होते हैं, यानी 3 बिंदु से बनने वाला अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 है तो बिंदु कैसे होंगे, समरेख होंगे। तो इस टाइप का क्वेश्चन हो जाएगा, यानी कि बिंदु इस तरह से दिए होंगे तो ट्रायंगल, उसका ट्रायंगल का एरिया निकाल लेंगे पॉइंट मान के, और उसका क्षेत्रफल अगर निकाल लेते हैं जीरो आ जाता है तो वह समरेख कहे जाते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जैसे ये क्वेश्चन इस टाइप का बहुत आता है, वृत्त की त्रिज्या एवं केंद्र के निर्देशांक ज्ञात करो। तो मतलब एक क्वेश्चन ये है, जैसे शो करना है ये क्या है, एक वृत्त है कि क्या है, √z-1 सिद्ध कीजिए कि एक वृत्त है, ये क्वेश्चन था। तो इस वाले क्वेश्चन में क्या करेंगे, हम हॉल ऑफ स्क्वायर कर देते हैं, दोनों साइड का स्क्वायरिंग करेंगे, स्क्वायरिंग करने पर बनेगा z+1 का हॉल ऑफ स्क्वायर √2z-1 का हॉल ऑफ स्क्वायर, जेड को रखेंगे x+iy+1 का स्क्वायर प्लस का √2 x+iy-1 का हॉल ऑफ स्क्वायर। यहाँ रियल पार्ट ये है, इसको इक्वेशन शो करना है, ये इक्वेशन बनना चाहिए उसका, वृत्त का इक्वेशन, x² + y² + 2xy = 2, यह हो जाएगा इसका स्क्वायर प्लस ये प्लस का 2x - 1 एंड iy, तो ये हो जाएगा x² + 1 + 2xy² + 2x + 1 iy = 2x² + 1 - 2x - i² की वैल्यू -1 हुआ, -y² -
उसे रिप्लेस कर टू आई वाई एंड एक्स माइनस का वन। अब इसको अंदर मल्टीप्लाइंग करके सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करके जो भी टर्म बनता है चेक किया जाएगा कि सर्किल बन रहा है कि नहीं बन रहा है। अब देखते हैं कि क्या होता है। हाँ ठीक है, ठीक ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस का टू एक्स माइनस वाई स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा टू आई वाई एंड एक्स प्लस का वन इक्वल टू टू एक्स स्क्वायर प्लस का टू माइनस फोर एक्स माइनस का टू वाई स्क्वायर प्लस का फोर आई वाई एंड एक्स माइनस का वन। तो अब देखते हैं क्या बना। एक साइड में सेपरेट कर लें इसको, जीरो इक्वल टू टू एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर हो गया, टू माइनस वन ये वन हो जाएगा, माइनस का फोर एक्स माइनस का टू एक्स हो जाएगा, टू वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा, फोर आई वाई एक्स माइनस का वन माइनस का टू आई वाई एक्स प्लस का वन हो गया। अब इसको सॉल्व करने में जो वैल्यूज बन रहा है वो बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस का वन माइनस का सिक्स एक्स माइनस का वाई स्क्वायर, यहाँ पे टू आई वाई कॉमन लिया तो यहाँ बनेगा टू एक्स माइनस टू, टू आई वाई कॉमन लिया टू एक्स माइनस टू माइनस माइनस का एक्स माइनस वन, तो यहाँ हो जाएगा जीरो इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस का सिक्स एक्स माइनस का वाई स्क्वायर प्लस का टू आई वाई यहाँ का एक्स माइनस का थ्री। इक्वेशन मतलब सर्किल के इक्वेशन की फॉर्म आ रहा है, तो एक सर्किल की फॉर्म होगा, इनकी ब्रेथ यह एक ब्रेथ का इक्वेशन बेराई करेगा। एक हमसे इसमें शायद मिस्टेक हो गया है इस क्वेश्चन में, उसके लिए सॉरी। और इसको स्टार्टिंग से करना पड़ेगा, वहाँ पे मॉडुलस दिया था, हम स्क्वायरिंग करती है वो थोड़ा सा गलती हो गई हमें।